गाना चल रहा है, फोन मैंने मारा कर रखा है, रिकॉर्डिंग मैं अभी गोप्रो से कर रहा हूँ, ये देखो क्या दिखा रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कौशिक व्लॉग। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपनी गाड़ी के अंदर ये देखिए आप लगा रखा है, वायरलेस एप्पल कारप्ले हो चुका है मेरा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, कार लिंक ही चाहिए। मैं हर वीडियो बताया तो आपको, आप ये मत सोचना कि कुछ ज्यादा ही कौशिक साहब इन्वॉल्व होते, इसलिए होता हूँ जो चीज अच्छी है, क्योंकि जिसके पास एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो कार वायरलेस नहीं है, बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता, मुझे करना पड़ता था। तो फ्रेंड आप सोचते हो गए, देखो अब मेरे फोन से रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई वायर वायर रही नहीं है। तो फ्रेंड आज का जो व्लॉग है मेरा इस बात पे नहीं है, आज का मेरा व्लॉग है कि बहुत सारे भाई गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और वो डायरेक्ट जयपुर जाना चाहते हैं। तो पहले जैसे कि आपको पता था कि जयपुर का रास्ता पड़ता था ये अपना NH8 वाला, भाई हम भी इतने साल हो गए, देखते अब सोचते थे अब ठीक होगा, लेकिन अभी तक भी वो भैया वो बहुत प्रॉब्लम होती है। ऊपर से आजकल क्या है कि किसानों का चल रहा है मोर्चा, जो भी है उन्होंने जाम किए बॉर्डर्स। तो मैं आज जयपुर जाऊंगा मैं, और गुड़गांव से होते हुए सोना से मैं दिल्ली मुंबई इंटरनेशनल कॉरिडोर जो बना हुआ है वो वाला लूंगा फ्रेंड्स। और लोग बोलते हैं 2.5 घंटे में जयपुर, 2 घंटे में जयपुर, 3 घंटे में जयपुर, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ। मैं निकल चुका हूँ, देखिए सुबह सुबह का टाइम है, मैंने जीरो कर दिया इसको 8 बजे में भी, तो मैं निकल पड़ा हूँ सीधा। अभी सोना आने वाला है, अभी वाटिका चौक पे हूँ मैं, ये एलिवेटेड रोड बन चुका है जो गजब है। तो देखता हूँ कि ये सफर मैं पहली बार तय करूँ, मैंने अब तक ये सफर तय नहीं किया हुआ है, तो देखते हैं कि रास्ते में क्या क्या पड़ेगा, कितने घंटे में पहुंचो। और मेरी गाड़ी में खास बात यह है, जब मैं गाड़ी को ड्राइव करता हूं तो ये टाइम को लेती है, जब मैं गाड़ी को स्टॉप कर देता हूं तो ये ड्राइविंग आवर्स नहीं आते। तो मैं कितने ड्राइविंग आवर्स के अंदर, मेरा कहने का मतलब है जैसे गाड़ी मैंने आधा घंटा रोक दी तो ये काउंट नहीं करती उसको आधे घंटे को, कितने ड्राइविंग आवर्स के अंदर 80-90 की स्पीड रखूंगा मैं, और कितने घंटे के अंदर मैं जयपुर पहुंचता हूं, कौन कौन सा रूट लेके, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं फ्रेंड्स। तो जिस भाई को भी ये व्लॉग देखना, व्लॉग पे बने रहें, तो कहाँ कितना टोल लगा है वो सारा बताऊंगा। और अगर आपको भी जाना है, चाहे आप गाजियाबाद रहते हो, चाहे आप दिल्ली रहते हो, चाहे गुड़गांव रहते हो, चाहे आप झज्जर रहते हो, तो आपको ये लेना चाहिए दिल्ली मुंबई वाला या नहीं लेना चाहिए, आज मैं इसके बारे में बनाऊंगा। तो फ्रेंड चलते हैं टॉपम टॉप सीधा, अभी मैंने ट्रिप ए और ट्रिप बी जीरो कर दिया, याद रखना 26,896 मेरी गाड़ी चली है, क्योंकि ट्रिप और ट्रिप भी बार बार जीरो हो जाता है। तो चलते हैं, ये देखिए ये दिखा रहा है मुझे कि 269 किलोमीटर था मेरे गुड़गांव से, और 3.5 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा, 3.5 तो ये बता ही रहा है, और लोग बोलते 2.5 घंटे में जयपुर, तो वो देखना भी कौन सी गाड़ी कौन से जेट से पहुंचते हैं। तो चलते हैं सीधा और जयपुर पहुंचते हैं और शेयर करते हैं आपसे एक अच्छा सा व्लॉग। ये देखिए गाना चल रहा है, फोन मैंने मारा कर रखा है, रिकॉर्डिंग मैं अभी गोप्रो से कर रहा हूँ, ये देखो क्या दिखा रही है। लेकिन ये दिखा इसको, देखो म्यूट इससे होता फ्रेंड, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको सारे स्टीयरिंग कंट्रोल बताए थे। तो अभी मैं टोल आने वाला पहला, ये टोल काफ़ी महंगा है, शायद 125 रुपये का था लास्ट टाइम बताया था, टैग मैंने फुल कर दिया 2,000 रुपये से, और मुझे माइलेज दिखा रही है गाड़ी 37.8। इस पे व्लॉग पे मैं बता दूंगा, कई लोग वैसे सवाल जवाब पूछते हैं गाड़ियों के बारे में, तो कोशिश करूंगा कि कुछ भाइयों के जो सवालों के जवाब मैं दे दूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। मेरी सोच क्या है, देखो नॉलेज तो आपको बहुत ज़्यादा है, और जो आदमी गाड़ी ख़रीदता है वो 20 तरह से यूट्यूब वीडियोज़ काफ़ी कुछ स्टडी करने के बाद ही गाड़ी लेता है, बट फिर भी मेरा क्या एक्सपीरियंस है मैं आपसे वो शेयर कर लूँगा फ्रेंड्स। तो ये आ गया है पहला टोल, आपके ऊपर मैं बता दूंगा कि मेरे कितने पैसे कटे हैं, पर फिलहाल मैं अभी थोड़े पहले गया था तो 125 का था फ्रेंड। ये चलते हैं आगे, पहला टोल आ चुका है। 15 मिनट के बाद ही टोल करने के बाद मैं सीधा आ गया हूँ दिल्ली मुंबई, जो इंटरनेशनल कॉरिडोर है उस पर आ चुका हूँ, और गाड़ी चल रही है टॉप टॉप। तो अभी 250 किलोमीटर रह गया बस, तो ये देखना है कि यार वो 2 घंटे में 2.5 घंटे में, ताकि आप घर से निकले तो आपको मालूम पड़ जाए कि यार इतने घंटे लगने ही लगने हैं, और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे, खाने पीने का सामान मिलता है नहीं मिलता है, टॉयलेट वगैरह यूज़ कर सकता है क्योंकि फीमेल साथ में होती है, बच्चे साथ में होते हैं, तो फ्रेंड बहुत प्रॉब्लम होती है। और एक भाई ने मुझसे अभी लेटेस्ट सवाल पूछा था, अब सोचोगे थोड़ा बता दूँ कि वो कह रहे थे स्कॉर्पियो एन लूँ कि सफारी लूँ,
देखो दोनों ही गाड़ियां को चूज करना बहुत मुश्किल है, दोनों ही गाड़ियां काफी अच्छी है, प्राइस में भी काफी अच्छी है, लेकिन अगर आप एक फैमिली की कार चाहते हो, अच्छी कार चाहते हो, तो सफारी ऑटोमेटिक ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सफारी में अब क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग भी आ गया है, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स आ गए हैं, 3 स्पीड कैमरा भी आ गया है, तो 23-24 लाख रुपए आपको सफारी पर लगा देने चाहिए। सनरूफ अगर नहीं चाहिए तो मत लेना, लेकिन एक ऑटोमेटिक सफारी विद इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग आपको ले लेना चाहिए फ्रेंड, ये मेरा हुआ है। बाकी तो देखो अपनी फैमिली को लो गाड़ी में बिठाओ और लेके जाओ लंबे ट्रिप पे, तो उसको मालूम पड़ जाता है, एक टेस्ट ड्राइव लेनी बनती है। बिना टेस्ट ड्राइव के किसी भी यूट्यूबर को, किसी की एडवाइस को वैसे तो ब्लाइंडली आप फॉलो नहीं करोगे और करना भी नहीं चाहिए, अपने हिसाब से काम करना है। हो सकता है कि मेरी चॉइस अल्काज़ार हो, आपकी चॉइस XUV700 हो, या हो सकता है कि वैसे वर्षा आपकी चॉइस स्कॉर्पियो एन हो, मेरी सफारी हो, या पर हो सकता है, लेकिन स्कॉर्पियो एन भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी है, लेकिन थोड़ा सर्विस की इशू रहता है। ये गाड़ी थोड़ी सी फैमिली कार टाइप पे नहीं लगती है, फैमिली कार आपको सफारी लगेगी, सफारी में थोड़ी फील अलग आती है, स्कॉर्पियो का फील आते ही, फॉर्चुनर का फील आते ही ना, एंडेवर का फील आते ही ये हम सोचते हैं इंडियन कोई फैमिली कार नहीं है, थोड़ा सा ना वो आता है कि भाई ये थोड़ा दबंग टाइप के बंदे, थोड़े लोंडे लपाड़े जो है वो रख लेते हैं, लेकिन आप स्कॉर्पियो एन भी ले सकते हैं, वो भी अब फैमिली कार बननी शुरू हो चुकी है, आपके भाई ने भी खरीदा है और मैं भी एक फैमिली मैन ही हूँ। ये ठीक 8-10 किलोमीटर के बाद ये बहुत बड़ा सा एक टोल आ गया है और ये मुझे दिखा रहा है कि मुझे राइट की तरफ ही रखना गाड़ी को, ये देख लीजिए ये फ़ायदा हो रहा है मेरे को, और ये मैं चलता हूँ लेके, ये मेरी मैंने हल्के से ब्रेक मार दी है, चलता हूँ देखता हूँ, हमारी देखिए 23.8 आ गई है और ये मेरे को अभी पहला टोल आ गया है। प्राइस में बता दूंगा कितने का लगा है, रीड कर ले भाई, कर लिया अभी, रीड कर लिया है और गाड़ी का नंबर भी लिखा आ गया है, पैसे लिखे नहीं आए लेकिन वो मुझे मालूम पड़ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। सेकंड टोल है मेरा, ये पहला 125 वाला था, ये कितने वाला मुझे नहीं पता, तो मुझे बता रहा है कि मुझे स्टेट ही जाना है अभी, और ये देख लीजिए आप अभी टाइम हो रखा है 8:26 हो चुके हैं, जैप मोड पर चल रही है, मैं क्रूज में था तो मैं अभी वापस से इसको गाड़ी को अपने क्रूज कर दूंगा। क्रूज करने के लिए कुछ नहीं करना फ्रेंड, अब जैसे मैं पहले ऑलरेडी क्रूज पे था तो मुझे सिर्फ रेज्यूम करना है, जैसे ही मैं क्रूज रेज्यूम का बटन दबाया और ये क्रूज वापस से एक्टिव हो गया है, और यहाँ पे एक ग्रीन कलर का लोगो आता जो बताता कि क्रूज लग चुका है, SMS आ गया है, जो मेरे पैसे कटे होंगे वो बता दूंगा आपको मैं, और ये सिटी बैंक का मैसेज पता नहीं क्यों आ रहा है, कार्ड तो मैंने SBI का लगा रखा है। तो चलते हैं, ये देख लीजिए कितना गजब का एक्सप्रेस वे बना हुआ है, 237 किलोमीटर है यहाँ से, 11:30 बजे मैं जयपुर पहुँच जाऊँगा, शायद ऊपर सामने से 120 की स्पीड है यहाँ पे कार की। अच्छा जी, हमने तो भैया ये की हुई आपके सामने, ज़्यादा तुर्रम का मनते नहीं है क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है फ्रेंड्स। मेरे को ड्राइव करते हो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 1 आवर हुआ है, और आप देखिए 1 आवर के अंदर मैंने 76 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर दी है, तो 76 का मतलब है कि मुझ थका हुआ आदमी भी जो गाड़ी को बहुत स्लो चलाता है इस एक्सप्रेसवे के ऊपर 1 घंटे में 80 किलोमीटर के आसपास चला देता है, तो यानी कि हाईवे तो बहुत गजब बना हुआ है, 1 घंटा एग्जैक्ट हो गया आप देख लीजिए, और 1 घंटे के अंदर ये आपको काफ़ी 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 अच्छी दे रही है, और मैं दिखाऊंगा मुझे माइलेज का दे रही है इस रूल हाईवे पर 18.1 की मुझे माइलेज दिखा रही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि काफ़ी अच्छा हाईवे बना हुआ है, आप देख ही रहे हैं तो मज़ा आ रहा है चलाते हुए। पर अभी भी जो मेरी डेस्टिनेशन है फ्रेंड, आप देख लीजिए, आप मुझे भी देख रहे हैं और आपके साथ में साइड में दिखा भी रहा हूँ कितना किलोमीटर है, 192 किलोमीटर रह गया है, 2 आवर्स 42 मिनट्स मुझे और लगेंगे, 11:30 बजे मेरी डेस्टिनेशन हो जाएगी फ्रेंड्स। GoPro से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ हाईवे, और आप मेरे फ़ोन में साइड में अब ये देख भी रहे हैं, तो चलते हैं, हाईवे काफ़ी गजब बना हुआ है और आपको अच्छी क्लिप्स आपको मिल रही होगी उम्मीद कर रहा हूँ, चलते हैं सीधा। लेकिन हाईवे आप देख लीजिए, जो मैंने आपसे वादा किया था कितने घंटे में, 1 घंटे में मैं 80 किलोमीटर चलाते हुए पहुँच चुका हूँ। ड्राइविंग तो मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, 1998 से चल रहा हूँ,
और ऑलमोस्ट 25 साल के आसपास मेरे को ड्राइविंग करते कम एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी गाड़ियाँ चलाई हैं, मारुति वैगन आर, इको स्पोर्ट, सफारी, अब स्कॉर्पियो वैन, और भी काफ़ी गाड़ी चलाई है मैंने। लेकिन जो मेरे को कम्फर्ट अब इस गाड़ी में आ रहा है स्कॉर्पियो वैन में, वो सही में माइंड ब्लोइंग है। काफ़ी अच्छा कम्फर्ट है। कम्फर्ट का मतलब है जब इसका स्टीयरिंग तो बहुत ही मुझे लाइट लगता है, गाड़ी चलाते हुए काफ़ी चलता है। जो सीटिंग पोस्चर है वो भी इसमें काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। वैसे लग रहा है बैठ के और चढ़ के गाड़ी चला रहा हूँ मैं। पूरी पूरी विजिबिलिटी रहती है, सब दिखता है मेरे को लेफ्ट राइट में पूरा। ऐसा नहीं कि कहीं से मुझे कोई विजिबिलिटी की कमी हो। मेरे पीछे में अभी सफारी है, अभी स्कॉर्पियो गुजरने वाली है, वो पीछे ब्लैक कलर की है। और जब मैं क्रूज लगाता हूँ गाड़ी में, क्रूज लगाने के बाद और भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है। स्टीयरिंग भी अच्छा है, सीटिंग कम्फर्ट भी ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट हैंड पे जो ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने का वैसे इतना मज़ा है ना करना पड़ता, लेकिन ठीक है, उम्र के हिसाब से आदमी को बदलते रहना चाहिए। तो स्कॉर्पियो एन का जो मेरे को जो अगर बताया मैंने आपको, अगर 10 में से पॉइंट देने हो स्कॉर्पियो एन Z4 की बात कर रहा हूँ, 8.5 हुआ मैं आउट ऑफ 10। अभी तक ऐसी तकलीफ नहीं हुई मेरी गाड़ी में, एक ही तकलीफ है वह सबको पता है, ट्रिपी वाली। अदरवाइज डीजल डलाओ चलाओ, डीजल डलाओ चलाओ, ज़्यादा तारीफ में करता नहीं हुआ। तारीफ करते ही गाड़ी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, तो सोचा कि फीडबैक दे दूँगा अभी आपको। वैसे भी मैं दिल्ली मुंबई इंटरनेशनल कॉरिडोर पर उधर गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। कुछ नहीं करना यार, देश ऐसा हो रहा है कि जब से गडकरी जी ने हाईवे बनाने शुरू किए हैं तो जो ट्रेवलिंग है ना ड्राइवर्स की काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है। हालांकि टोल तो पे करने ही पड़ते हैं, लेकिन यार चलो टोल पे करने के बाद यार आपको थोड़ा माइलेज मेरी अच्छी हो जाती है। अभी जैसे कि मैंने बताया आपको, एक घंटे में मेरी गाड़ी 80 किलोमीटर चल रही है, जबकि मैं गाड़ी को चलाता बहुत स्लो स्पीड में हूँ। तो यानी कि मेरी गाड़ी की जो माइलेज है वो भी काफ़ी अच्छी आ रही है। फिलहाल मेरी गाड़ी 18.4 की माइलेज दिखा रही है फ्रेंड, तो 18.4 भी तो ठीक है, अच्छा लगता है मेरे को। 17-18 की माइलेज देते हैं अभी, तो ये मुंबई तक जाएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। तो ऐसे ऐसे जब भी मैं आपसे कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ तो वो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस होता है। मैं तो भाई उन लोगों में से हूँ फ्रेंड्स, मुझे आसानी से जीवन में कभी कुछ नहीं मिला। मतलब पैसा भी बर्बाद बहुत किया है, बड़ी मुश्किलों से मेरे को कोई चीज़ मिलती है, बहुत ही मशक्कत करने के बाद। 100 रुपये की मेहनत करता हूँ तो 50 रुपये मिलते हैं मेरे को। हालांकि वो 50 रुपये मेरे लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते। मतलब भगवान ने मेरे को ज़्यादा हवा उड़ने नहीं दिया, नीचे ज़मीन पर रखा है। जब जरा कुछ आता है तो बिटकॉइन में लिया था वो भी लॉस, शेयर मार्केट में वो भी लॉस, प्रॉपर्टी है वो फंस गई। मतलब ज़्यादा मेरे को ढील दी नहीं भगवान ने। ये कहा कि भाई तो सुबह निकला कर, अपना काम करके आया कर, रात को तब खाना मिलेगा तेरे को। पर चलो ये भी अच्छी बात है कि खाना मिल तो जाता है, लेकिन अच्छा है मेहनत करने के बाद ही थोड़े से आराम मिलते हैं भाई को। आसानी से मुझे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिला, हम पेरेंट्स मिल गए थे आसानी से, और कोई नहीं मिला था। बहुत मेहनत करनी पड़ती है जीवन में, और बहुत संघर्ष में जीवन रहा है। तो चलो, संघर्ष करने के बाद भी अगर जीवन में आपको सक्सेस मिल जाए, मैं सक्सेस इसी को कहता हूँ। सक्सेस का मतलब ये नहीं मेरे बैंक में करोड़ों रुपया पड़ा हुआ, वो सक्सेस नहीं मानता मैं। चलो आज बता देता हूँ कौशिक जी का ज्ञान का पिटारा। पिटारा नहीं है, तजुर्बा है मेरा, सोच है मेरी कि सक्सेस होती क्या है। तो फ्रेंड, सक्सेस कुछ नहीं होती, सक्सेस होती है फ्रीडम। जिस आदमी के पास फ्रीडम है आज, फ्रीडम मतलब कुछ भी करने की, जैसे कि अभी मैं जा रहा हूँ जयपुर जा रहा हूँ, मान लो कुछ काम जा तो काम से रहूँ, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं है कि कब आना है, कब जाना है, कब निकलना है, क्या है, क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब जाना है, कब जगना उठना है। डिसीजन लेने की फ्रीडम है, खाने की, मतलब हर चीज़ की फ्रीडम, वो होता है सक्सेसफुल आदमी। और जिस आदमी के पास सक्सेस, और जिस आदमी के पास आज़ादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। अब मान लो उसकी बीवी बोलेगी मेरा घूमने मन कर रहा मनाली के स्नोफॉल में, वो पूछे कि मैं आपको बताऊँ, वैसे तो पूछ के बताऊँगा बॉस, वैसे तो 90% लोग ऐसे ही हैं भाई, जॉब करते हैं तो पूछ के बताना ही पड़ता है, अपने बहुत सारे भाई हैं तो। लेकिन जिस आदमी के पास फ्रीडम है, मान लो कुछ खरीदने की, पहनने की, जाने की, आने की फ्रीडम, और जिस आदमी के पास फ्रीडम नहीं है वो सक्सेसफुल नहीं है।
सोने के पिंजरे में मैं आपको कैद कर दूं, बोलूं सोने का है तो आजादी नहीं है, उसे उड़ने की आजादी नहीं चाहिए। तो मेरा तो मानना है कि आजादी उसी की है। हालांकि आजादी आती थोड़े दिनों बाद है, पर भगवान, मैंने भगवान से सब यही मांगा था कि ज्यादा मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। और वो कहता है ना, बार बार शेर बोलता हूँ मैं, कि अजीब रिश्ता है मेरा और उसका, ज्यादा मैं मांगता नहीं कम वो देता नहीं। तो आजादी आप भी नोट करना कि क्या आपके पास आजादी है फुल, है तो आप भी मेरी तरह फ्रीडम है, सक्सेसफुल है। आपके पास करोड़ों रुपया बैंक में पड़ा हुआ, करोड़ों रुपया शेयर मार्केट में पड़ा हुआ, करोड़ों रुपए ही, लेकिन आजादी नहीं है आपके पास, फ्रीडम नहीं है, कहीं आने की जाने की सेहत ही नहीं है आपके पास। अगर आपके पास सेहत ही नहीं है अच्छी, तो भी फिर आप सक्सेसफुल नहीं है। अगर आपने अपनी सेहत खराब करने के बाद बैंकों में करोड़ों अरबों रुपया जमा कर भी दिया है, कोई फायदा नहीं है। ये मेरा सोचना है। कई लोग ये सोचते हैं कि बैंक में करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है सक्सेसफुल है, हेल्थ में बिल्कुल ही जीरो है। अभी 2 घंटे भी ड्राइव करते नहीं हुए हैं और मैंने 144 किलोमीटर चला लिया फ्रेंड गाड़ी, तो कितना अच्छा लग रहा है मेरे को। और अभी बगल में आ गया रेस्टरूम। यहाँ पे क्या है कि जल्दी जल्दी रेस्टरूम आ जाते हैं। देखिए विश्राम एवं सेवा क्षेत्र आ गया, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। मैं वहाँ गया था ना, जो भी लखनऊ वाला, उस पर नहीं था, तो यहाँ पे 500 मीटर के बाद ही मैंने इंडिकेटर दे दिया है, आप वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और अभी भी डेस्टिनेशन 126 किलोमीटर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 144.6 किलोमीटर इन 1.45 आवर्स। ये देखिए, आप भी देख लीजिए। अगर आपको भी इस रूट पे आना है तो आप भी इस आराम से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के मेरे को, ये पार्किंग गजब है। ये देखिए मैं गाड़ी लगा रहा हूँ अभी, मेरे साथ साथ आप भी ड्राइव कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी लिखा है फ्रेंड, वो बैठा भैया, तो ये भी कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी चार्ज हो जाते हैं। जिस भाई को अपडेट चाहिए वो ले लीजिए। तो अब मैं गाड़ी लगाता हूँ, यहीं पे लगाता हूँ, इधर साइड लगाता हूँ, काफ़ी खुल्ला डुल्ला है। गाड़ी मैंने अपनी यहाँ पार्क कर दी है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के यार। ये सिक्योरिटी वाले भी हैं और इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी है। गाड़ी मैंने अपनी यहाँ खड़ी कर दी, आप देख सकते हैं वहाँ से है और इधर से आया हूँ मैं भी। तो चलते हैं। काफ़ी अच्छा मौसम खुल गया है और देखो कितना डिसेंट क्राउड है, काफ़ी अच्छा इंतजाम है यहाँ पे विरासत के नाम पे। टॉयलेट भी बहुत नीट एंड क्लीन मिले हैं और अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, तो अब चलते हैं सीधा। लेकिन देखो कैसे लोगों ने PPF पे ना निशान दो कैसे पड़े मेरी गाड़ी पे। लेकिन सबसे बड़ा फीडबैक ये है कि इलेक्ट्रिक चार्जर भी यहाँ पे और वॉशरूम भी बहुत बढ़िया लगे, खाने पीने का इंतज़ाम भी और बहुत ही गजब तरीके का इंतज़ाम किया हुआ यहाँ पे। छोड़ के ना जा, तू वापस आ जा। फ्रेंड ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, मैं इतने लंबे ड्राइव करता हूँ, 2 घंटे मेरी गाड़ी को चलाते हुए मेरे को फ्रेंड, और मैंने 81 की एवरेज स्पीड से 162 और 163 किलोमीटर गाड़ी चला दी है बिना किसी रोक टोक के। देख ली, टोल तो दिया मैंने, हालांकि डेस्टिनेशन मेरी अभी भी दूर है, लेकिन आप देखो 2 घंटे मेरे को गाड़ी चलाते हुए नहीं हुए हैं और मैंने 162 किलोमीटर गाड़ी चला दी है इस दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के ऊपर। फ्रेंड्स मेरा तो ये मानना, अगर किसी भाई को दिल्ली NCR में रहता हो और जयपुर और आगरा जाना हो तो इसी रूट को यूज़ करो। मतलब मेरा डीजल टोल तो लगा पर डीजल काफ़ी बच गया है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर अरावली की पहाड़ियाँ हैं, काफ़ी दबंग तरीके से, काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया इसको। और गडकरी जी ने दिल्ली मुंबई का ये, अब पता नहीं चालू कहाँ तक है, ये 1-1.5 साल लगेगा तो ये दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुँच सकेंगे फ्रेंड। वो सफ़र भी करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए 2 घंटे के अंदर 163 किलोमीटर,
गजब है, अभी गर्व है। दिखाऊं माइलेज का दे रही है मेरी गाड़ी, 19 की माइलेज मुझे शो कर रही है। चलो स्कॉर्पियो एन के भी मजे लो जो बाइक खरीदना चाहते हो, लेकिन फिलहाल मजे लो आप इस कॉरिडोर की, इस रोड की। 120 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से मैं गाड़ी चलाता हूँ, चला सकता हूँ, पर मैं अपनी गाड़ी को 80-90 पर ही रखता हूँ। इस गाड़ी में आपको डिजिटली स्पीड भी आ जाती है फ्रेंड्स। तो चलते हैं सीधे इस हाईवे को यूज़ करते हुए जयपुर की तरफ। देखिए अरावली कितनी सुंदर लग रही है, ये देखो ये फूल वूल भी खिले हुए अच्छे लग रहे हैं सुन के। अरावली भी बहुत ही गजब लुक दे रही है इस वक्त। जयपुर अभी 104 किलोमीटर रह गया है। इस हाईवे पे जगह 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 ये रेस्ट रूम वगैरह मिल जाते हैं। अरे गाना म्यूट कर, मिल जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी कंटिन्यू आपको मिलेंगे फ्रेंड, ध्यान रखना। पेट्रोल पंप भी मिलेगा और सीएनजी भी मिलेगी। तो जो भी भाई मेरा ब्लॉग देख रहा हो, तो अगर आप इस कॉरिडोर को यूज़ कर रहे हैं जयपुर तक, तो आपको इलेक्ट्रिक चार्जर भी मिलेगा, सीएनजी भी मिलेगी, और पेट्रोल पम्प तो भाई इंडिया में मिल ही जाते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, अभी भी हमारी डेस्टिनेशन 77 किलोमीटर है। 193 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है मेरी भी, 76 जयपुर है, आगरा भी 178 यहाँ से शो कर रहा है। आगरा दूर है क्या भाई? तो ये देख लीजिए 82 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मेरी गाड़ी चले जा रही है टॉप ऑन टॉप। अभी हम 200 किलोमीटर ड्राइव पूरे करने वाले हैं फ्रेंड, देख लीजिए आप। और अब जहाँ तक मैं देखिए, आप ध्यान रखना, अब मुझे यहाँ से आगे यू टर्न मारना है। लेफ्ट आगरा दिखा रहा है और जयपुर मुझे यहीं से नीचे कोई फ्लाईओवर आएगा। तो यानी कि अगर आप गुड़गांव से आ रहे हो, मैं तो गुड़गांव से आ रहा हूँ, 200 किलोमीटर के आसपास आपको चलने के बाद, और 200 किलोमीटर मैंने सिर्फ 2.5 घंटे में पूरे कर लिए हैं। गजब बनाया ये भाई एक्सप्रेसवे, आप भी यूज़ करना। अभी बताऊँगा, देखो सामने लिखा आ गया जयपुर जाने के लिए मुझे, और टोल भी बता दूंगा कितना यूज़ होगा मेरा। आगरा यहाँ से लेफ्ट है, लेकिन हमें जाना है सीधा अब यहीं से। चाहे मुझे ये आप देखते रहे ना, अभी मैं वीडियो को काटूंगा नहीं बीच में। ये आ गया, देखिए जयपुर का आ गया है, और गूगल मैप ने भी मुझे, जो मैप यूज़ कर रहा हूँ उसने मुझे दिखा दिया है कि मुझे कहीं आगे से ऐसे मुड़ना है फ्रेंड। देखते हैं कहाँ मुड़ना है। ये शायद आ गया है जयपुर का, तो अब चलते हैं यहाँ से। ये निक्सन वाले भाई साहब भी, जिन्होंने एल लगा रखा अपनी गाड़ी पे, ये देखिए हम चल पड़े अब जयपुर की तरफ। तो यानी कि 200 किलोमीटर चला हूँ मैं, अब देखते हैं आगे। रास्ता जा रहा था वैसे तो, पर ये कहाँ दौसा की तरफ जा रहा होगा, लेकिन मुझे अभी यहाँ से करना है, अब देखते रहना। और टोल बता दूंगा कितना कटा है फ्रेंड मेरा, आगे टोल आ जाए कि जितने भी एग्जिट होते हैं सबके ऊपर टोल आएगा ही आएगा। 202 किलोमीटर मैंने 2.5 घंटे 2.26 में देख लीजिए आप कर लिया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी माइलेज दी होगी 2.5 घंटे में 200 किलोमीटर मैंने। मेरे साथ ऐसा कम हुआ है, बहुत कम हुआ है फ्रेंड, लेकिन ये टोल पे थोड़ी सी भीड़ है, देखते हैं क्या होता है। मैं इस ट्रक के पीछे ले लेता हूँ अगर भाई ने अलाउ किया तो। ये मैंने ले लिया है, और टोल भी आपको मैं दिखा दूंगा फ्रेंड्स कितना मैंने पे किया है। काफ़ी मोटा टोल आने की उम्मीद है, कम से कम 350 रुपये, 202 किलोमीटर मान लीजिए। अब देखते हैं कितने किलोमीटर, रास्ता कैसा मिलता है। रास्ता थोड़ा ऐसे ही मिलेगा जो आप देख रहे हो, फिर भी आपको मिल जाएगा एंड में व्लॉग में कि मैं कितने घंटे में गुड़गांव से जयपुर पहुँचता हूँ। बाकी आपके सामने क्लियर है कि 2.5 घंटे में मैंने 202 किलोमीटर कवर कर लिया था। दौसा शहर में पहुंच चुके हम, और 415 रुपये का टोल कटा है फ्रेंड। तो 125 का टोल एक कटा था, और दूसरा कटा 415 रुपये का, तो 540 रुपये का टोल लगा है मेरा। लेकिन फ़िलहाल मेरे लेफ्ट हैंड पे दौसा शहर है, दौसा आप देख लीजिए। मैं पहली बार आया यहाँ पे, अभी जयपुर मेरा 61 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, और रोड की कंडीशन ऐसी है, ठीक ठाक है, बट ऐसा नहीं है उस जैसा हाईवे जैसा तो नहीं है, लेकिन गाड़ी चल रही है प्रॉपर तरीके से। तो अभी भी मेरे को 2 घंटे 35 मिनट हो चुके हैं, तो यानी कि 3.5 घंटे में मैं देखता हूँ कब पहुँचूँगा गुड़गांव से जयपुर। आप पहुँच सकते हो उस रोड से बचने के लिए, NH8 जो था। अभी एक टोल और आ गया भाई, जयपुर तो पहुँचे नहीं, जयपुर अभी 34 किलोमीटर है, लेकिन एक टोल और आ गया। ये वही रोड है जो पहले आगरा को और जयपुर को आपस में कनेक्ट करता था,
तो अब देखते हैं। 415 रुपीस तो उस टोल के टोल के दे दिए मैंने, 125 पहले दिए थे और अभी इस टोल के भी पैसे कटने वाले हैं, लेकिन देखते हैं। पैसे तो लिखे नहीं आ रहे, ग्रीन हो गया है, पैसे लिखे नहीं आए हैं बता दूँ आपको मैं, लेकिन ये थर्ड टोल आ गया फ्रेंड। तो अगर आएँ तो आप भी अपने टैग के अंदर ढेर सारा पैसा डाल के लाएँ। 2000 डाल रखे मैंने, देखते हैं घर जाके कितना बचेगा। फिलहाल 237 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है और ऑलमोस्ट 3 आवर्स मेरे को चलाते हुए गाड़ी हो चुके हैं। और देखो माइलेज, जो कौशिक जी का तकिया कलाम है, 19.8 की मुझे माइलेज दिखा रही है फ्रेंड्स। चलते हैं अभी, अभी तो लगेगा इसमें 45 मिनट्स मुझे और बोल रही है। तो ऑलमोस्ट मैं जयपुर पहुंच चुका हूं फ्रेंड। जयपुर 5 किलोमीटर रह गया है और अजमेर यहां से लेफ्ट करते 138 किलोमीटर है, तो 3.5 घंटे लगे हैं आप देख सकते हो। और 261 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला ली है, तो आप देख लीजिए 3.5 घंटे में मैं पहुंचा हूं ड्राइव करके, तो आप नज़र लग गया होगा आपको। तो जयपुर मैं पहुँच चुका हूँ, आप भी आ सकते हो। 2.5 घंटे लगे थे मेरे को 202 किलोमीटर कवर करने में गुड़गांव से, वो जो आपने जो मैंने जो एग्जिट किया था मैंने हाईवे को ना जी। और अब मेरे को 1 घंटा और लग गया है ये 61-62 किलोमीटर कवर करने के लिए। ठीक है वो 80 किलोमीटर कवर कर रहा था मैं 1 घंटे में, यहाँ मैंने 60 कर लिए। तो गुलाबी नगरी जयपुर में मेरा स्वागत हो गया है। तो मैं आ गया था किसी काम से और अभी शाम को ही मेरी वापसी यहाँ से। आपको आइडिया लग गया होगा, अगर आपको भी गुड़गांव से या दिल्ली NCR से जयपुर आना है तो आप ही रास्ता ले सकते हैं। टोल मैंने आपको लिख ही दिया है, 3 टोल मैंने दिए हैं, तीनों टोल का प्राइस भी मैंने आपको बता दिया है। तो और आ सकते हैं 3.5 घंटे में आप प्रॉपर जयपुर पहुँच सकते हैं। ये देख लीजिए, ये चंदा गार्डन मेरे सामने आ गया है और ये फटाफट मैं जयपुर पहुँच चुका हूँ। फिलहाल ये वो रोड है जो आगरा को और जयपुर को कनेक्ट करता है फ्रेंड्स। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी क्लैरिटी हो गई होगी। इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देता हूँ। तो अरे बोला, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक ब्लॉग। जय हिंद जय भारत। टोल रोड समाप्त भी लिखा आ गया है सामने। जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग पे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।